कुरान गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज अपन लोग आ चुके हैं दोबारा से रोब्लॉक्स के अंदर। एंड गाइस, अभी अपन लोग एक्चुअली में मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर, और अपने को एक कॉल आया है कि मिस्टर चॉप को हमारी जरूरत है पुलिस स्टेशन में। तो भाई, अभी मैं यहाँ पर टैंक में बैठ के वही करूंगा। अरे भाई, बैठ जा। ओके, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, अपन लोग को यहाँ पर फुल अथॉरिटी दी गई है कि अपन शहर में टैंक चला सकते हो, तो इसी से अंदाजा लगा लो कि थ्रेट कितना ज्यादा खतरनाक है। बॉट भाई कहाँ पर रह गए? अरे आ रहा हूँ ब्रो, आ रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, पुलिस स्टेशन पहुंच चुका हूँ मैं। अब एक काम करता हूँ, टैंक को कर देता हूँ यहाँ पर पार्क, और अपन लोग को गाइस अपना यहाँ पर वेपन निकाल करके रेडी रखना पड़ेगा, ठीक है? ऑलराइट, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि इनकेस अपन लोग गलती से लोगों को ना शूट कर दे। ऑलराइट, कमिंग इन। कहाँ पर हो मिस्टर चॉप, बताओ? बॉट भाई, ये देखो यहाँ खड़ा हो, देखो मेरे को क्या मिला है ब्रो, क्या मिला है तुमको दोस्त? बॉट भाई ये देखो ब्रो, अबे ये कौन है? ये तो कोई खतरनाक आदमी लग रहा है, इसको ठोकना पड़ेगा गाइस। बॉट भाई, अरे बंदूक अंदर रखो ब्रो, समझ नहीं रहे, इसी के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है। अच्छा, इसके लिए बुलाया है। अच्छा बताओ, ऐसे कर क्या सकता हूँ मैं? बॉट भाई, एक्चुअली में आप यकीन नहीं करोगे, ये बंदा कौन है ब्रो? कौन है भाई? देखने में तो नॉर्मली लग रहा है मेरे को। बॉट भाई, ये हार्वर्ड स्टार्क का बेटा टोनी स्टार्क है ब्रो। अबे तो ये यहाँ क्या कर रहा है? बॉट भाई, हार्वर्ड स्टार्क को किसी काम की वजह से देश के बाहर जाना पड़ा ब्रो, और उसने हमें ये टास्क दिया है। अरे आप उन लोग भाई, ये दो लोग टंटू पंटू जैसे क्या करेंगे, इसको कैसे पालेंगे भाई? बॉट भाई, आप जो भी हो, अपने को फुल सिक्योरिटी का भाई अपने को ताम झाम देखना पड़ेगा ब्रो। ऑलराइट, अगर ऐसी बात है, चलो दोस्त, अब अपन लोग टोनी स्टार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेंगे। मेरे पीछे रहना, ठीक है? जो भी बंदा फायरिंग करेगा उसको मैं संभालूंगा। एक काम करो, तुम गाड़ी चलाओ, अपन लोग यहाँ पर भाई ऊपर में गन संभालते हैं, ठीक है? ऑलराइट गाइस, वी आर रेडी, जल्दी जल्दी, दुश्मन सामने खड़ा है दोस्त, निकलो। मैंने कहा गाड़ी स्टार्ट। अबे तू पैसेंजर में बैठ गया नूबड़े, ड्राइवर साइड में बैठना है। अबे ये कौन आ गया? बॉट भाई, लगता है ये हमारी मदद करने आया ब्रो। अबे छोड़ो उसको, जल्दी यहाँ से निकलो भाई, तुमको बोला आगे चलो जल्दी। ओके, कहाँ पर है? अपना घर किधर है जिधर हम लोगों को इसको लेके जाना है? बॉट भाई, यही कहीं पर होगा ब्रो। अबे कैसे आदमी हो यार? बॉट भाई, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा सेफ है ब्रो। ऑलराइट, लेट्स गो, आगे बढ़ो दोस्त, जल्दी से चलते हैं। ऑलराइट गाइस, आई थिंक कोई अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जिसके अंदर हम लोगों को जाना है। और कहाँ है? ओ ये रहा, ये रोको, गाड़ी आगे करके रोको भाई, राइट में रोको। ऑलराइट, लेट्स गो। अब बस, अबे आगे लेना, क्या कर रहा है, कैसे गाड़ी चला रहा है, एक काम नहीं होता भाई इससे। ऑलराइट, चलो जल्दी। देख सकते हो गाइस, अंडरग्राउंड फैसिलिटी है यहाँ पर, और अपन इसको हाउस कंट्रोल में दरवाजा खोल दो रहा हूँ मैं। चलो अंदर, चलो कूदो। ऑलराइट, दरवाजा लॉक। ओके गाइस, अब अपन लोग फाइनली सिक्योर हो चुके हैं यहाँ पर हम लोग जो है। अबे बेबी कहाँ गया? फोट भाई आप ले लो ब्रो। ओके चलो, मेरे को मिल गया बेबी। गाइस अब अपन लोग यहाँ पर इसका ध्यान रखेंगे। एक काम करूँ, इसको ना मैं भाई यहाँ पर से हटा लेता हूँ, क्योंकि ट्रॉली में इसको भाई ले जाना थोड़ा डेंजरस है दोस्तों। ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने बेबी को यहाँ पर भाई फटाफट से ट्रॉली से हटा दिया, इसके कपड़े भी चेंज कर दिए। अब भाई टाइम है इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर देने का, क्या पता भाई रास्ते में इन लोगों ने इसके ऊपर कुछ लगा दिया हो, तो वी जस्ट नीड टू मेक श्योर, है ना। चलो फटाफट से यहाँ पर इसको वॉश कर देते हैं। बॉट भाई, साबुन की टिकिया नहीं है जो हाथ रगड़ रगड़ के धो रहे हो ब्रो। अरे यार तुम समझते नहीं हो, यही क्लीन करने का तरीका है। और यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग शावर भी है। ये देखो गाइस, अब एकदम चगमगा गया है ये। अबे तू क्या कर रहा है अंदर भाई? ऑलराइट, देख रहे हो साबुन भी क्या मस्त रगड़ रगड़ के लगा रहे गाइस। इस बंदे को भाई हम लोगों को बचा के रखना है, ये बहुत खतरनाक आदमी बनेगा फ्यूचर में, और थानोस को मारेगा गाइस। ऑलराइट, तो अपन लोग ने मोस्टली सारी चीजें कर दी है। रुको, एक्चुअली इसका खाने का बंदोबस्त तो किया ही नहीं भाई। अरे बच्चे को दूध चाहिए होता है, रुको गाइस मैं दूध की बोतल ढूंढता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग देख सकते हो, ये रही दूध की बोतल और ये रहा बच्चा। ये ले बच्चे, पी ले। तो भाई आप खुद पी रहे हो ब्रो। अरे बच्चा पी ले भाई। ओके चलो, बच्चे को दे दिया गाइस। अब टाइम है बच्चे को वापस मेरे को हाथ में लेना पड़ेगा। ऑलराइट, अभी और भी है क्या इसके अंदर? मैं पहली बार खुद आया हूँ, अब और नीचे नहीं जा सकते क्या? बस इतना ही घर है क्या? ये बड़ा छोटा सा बनाया यार इन लोगों ने। भाई आप इस घर को हल्के में ले रहे हो, यहाँ पे मिसाइल तक लॉन्च कर सकते हैं ब्रो। क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ, वेट अ मिनट, यहाँ पर एक्चुअली में रीलोड का ऑप्शन आया हुआ है। ओके, मैंने रीलोड, अबे रुको क्या कर रहे हो? ओके ओ हाँ, रीलोड हो गया, अब मैं इसको लॉन्च कर सकता हूँ। हटियो जरा, साइड हटियो। ओके, ये दबाया लॉन्च बटन। ओ माय गॉड गाइस, ये लॉन्च किस पे होगा? बॉट भाई, लगता है जो लोग हमारे पीछे है उन्हीं पे लॉन्च होगा ब्रो। ऑलराइट, जल्दी निकलो यहाँ पर से। ओके गाइस, अब टाइम है सोने का, फटाफट से टोनी स्टार्क को इधर लाओ, जल्दी दो दोस्त। बॉट भाई ये लो पकड़ो। ऑलराइट, थैंक यू। चलो नीचे चलो जल्दी गाइस, वैसे भी बच्चे को ज्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए। लेट्स गो। अरे बेड किधर है भाई? मैं आधे समय तो बेड ही ढूंढ रहा हूँ। ऑलराइट, ये गया।
ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टोनी स्टार्क अब फाइनली थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी क्यूटू सा एकदम छोटू मोटू सा है। तो आज अपन लोग इसको भाई लेके जा रहे हैं, अब ये फाइनली इतना बड़ा हो गया है कि अब इसको बाहर ले जा सकते हैं। गाइस देख सकते हो मिस्टर चॉप द बॉडीगार्ड इज रेडी, बट टेंशन लेने की बात नहीं, हमारे पास गन्स वंस का पूरा बंदोबस्त है। क्या चॉप, गलत बोला क्या? व्हाट भाई, फुल टू गन रखा है, टेंशन मतलब। ऑलराइट चलो गाइस फटाफट से बाहर चलते हैं। वैसे हम लोगों ने यार अपने घर में पूरा ताला वाला मार के रखा है ताकि दुश्मन की एंट्री ना हो पाए, देख सकते हो, लेकिन अभी के लिए अपन लोग बाहर आ जाते हैं। आजा जल्दी आजा चौप के बच्चे, घर लॉक कर दूंगा फिर रह जाएगा अंदर। व्हाट भाई, घर लॉक हो गया? अरे घर कैसे लॉक हो गया, मैंने तो अनलॉक किया हुआ है। ओके चलो कोई बात नहीं, कोई ग्लिच होगा। ऑलराइट लेट्स गो, गाड़ी को पहले हम लोगों को लॉक ऑन, अच्छा अनलॉक ही था। ओके चलो चलो चलो, एक सेकंड, हाउस कंट्रोल हटाए दो। ओके मिस्टर चॉप, गाड़ी जो है तुम ऊपर बैठो दोस्त, ऊपर बैठो। ऑलराइट लेट्स गो। ओए कोई भी बंदा दिखे फायरिंग कर देना दोस्त। अरे कोई बंदा दिखे तब भाई, तुम पहले ही कर रहे हो। भाई प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए, क्या पता कौन कहां से हमला कर दे ब्रो। अरे बात तो सही बोला दोस्त तुमने। तो गाइस आज एक्चुअली में हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, सो वी वर थिंकिंग कि क्यों ना कुछ चल के खाया जाए। तो ये रहा हमारा रेस्टोरेंट, यहाँ पर आ चुके अपन लोग। अब जो है फटाफट से गाड़ी को लॉक कर देता हूँ, ओके, ताकि चोरी ना हो। रेस्टोरेंट का एंट्री यहाँ पर से है। चलो 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 चलो, वाह द ब्रिक रेस्टोरेंट लग रहा है ना तगड़ा। भाई तगड़ा तो लग रहा है, लेकिन कहाँ चले गए ब्रो? अरे नूबड़े भाई तू कहाँ है, मैं ऊपर आया हुआ हूँ यार। गाइस लगता है मिस्टर चॉप का पूरा गेम ग्लिच कर रहा है, देखो कैसे भगता हुआ। अरे वो कौन है? व्हाट भाई, अरे वो बच्ची रास्ते में मिल गई ब्रो। अच्छा वो रास्ते में मिल गई, उठा लिया। चलो कोई बात नहीं गाइस, अपन लोग यहाँ पे बैठते हैं और खाना पीना शुरू करते हैं। ओए चॉप जाके ऑर्डर प्लेस करो यार। व्हाट भाई, ऑर्डर नहीं, खाना लेके आना पड़ेगा ब्रो। खाना लेके आना पड़ेगा, अभी कैसा रेस्टोरेंट है? ओके ओ खाना सही में है, वो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस यहाँ पर से चलो फटाफट से अपन लोग कुछ खा लेते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं। ऑलराइट गाइस खाना तो फिनिश हो चुका है हम लोगों का, और आप लोग देख सकते हो भाई मस्त खाना पीना खा लिया है। अब टाइम है थोड़ा सा ना यहाँ पर किताबें खरीदनी पड़ेंगी इसके लिए, क्योंकि भाई पहली बार स्कूल जा रहा है तो किताबों की तो जरूरत पड़ेगी ना इसको। व्हाट भाई बिल्कुल सही बोला, चलो जल्दी से किताबें खरीदते हैं ब्रो। ऑलराइट आ जाओ, आई थिंक किताबों का दुकान ज्यादा आगे है भी नहीं, यही रहा भाई, ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी दोस्तों। ओह माय गॉड, यहाँ पर भी कोई नहीं लग रहा है मेरे को। आई थिंक उन लोगों ने बोला था कि हम लोगों को बस किताब उठानी है, निकल लेना है। भाई ये रहा किताब, और एक छोटे से बच्चे के लिए एक ही बुक काफी है गाइज। चलो 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 लेट्स गो भाई, अब अपना काम हो गया है। अब गाइज अब इसको फटाफट से अब अपन लोग स्कूल ले जाएंगे। आ जाओ चॉप जल्दी से, आने की जरूरत भी नहीं है, डे केयर तो यहीं पर है, डे केयर में ले जाके थोड़ा मस्ती मजाक करेंगे गाइज, ताकि बच्चे का भी मूड फ्रेश हो जाए और उसके बाद अपन चलेंगे स्कूल। अबे लाइट क्यों ऑफ है भाई साहब, यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला है ही नहीं गाइज, अपने को ही करना पड़ता है। और भाई खतरे की वजह से सरकार ने पूरा का पूरा डे केयर ऑफ करवा दिया ब्रो, आई मीन वो शहर खाली करवा दिया ब्रो। भाई तू लाइट क्यों ऑफ कर रहा है बताइयो जरा, अपन लोग यहाँ पे रिलैक्स करने आए, ये देखो कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी बरत रहा है। एनीवेज गाइस देख सकते हो यहाँ पर और भी बच्चों की जगह है। आई थिंक अपन लोग जब ये छोटू सा था तब अब इसको यहाँ पर रख सकते थे, ये देखो, और लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है गाइस। ऑलराइट लेट्स गो, और कुछ है क्या भाई इसमें? सही में ज्यादा कुछ है नहीं करने को। चलो चलो हो गया भाई, अपना डे केयर वाला ऑप्शन हो गया, थोड़ा सा स्विमिंग कर लेता हूँ इसी बहाने। हय्या ओ भाई देख रहे हो क्या तगड़ा तैर रहा है मेरा कैरेक्टर। अबे बच्चे को क्या हो गया भाई, वो डूब रहा है, चौप बचाओ इसको। व्हाट भाई, अरे कोई बात नहीं, उसको स्विमिंग का ट्रेनिंग मिला है, संभाल लेगा ब्रो। ऑलराइट चलो चलो गाइस अब जल्दी से स्कूल चलते हैं, स्कूल भी पीछे ही है। लेट्स गो एंड गेट आउट ऑफ हियर। आ जाओ चौप भगते हुए आ जाओ, तुम वैसे ही बहुत टाइम लगाते हो। ओके एंड ये कर दिया पार्क एंड लुक एट दैट। ओके तो स्कूल में गाइस देख सकते हो स्कूल में बच्चे भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने टोनी स्टार्क के लिए पूरा स्कूल वूल भी खाली करवा दिया। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, एडमिशन ऑलरेडी हो गया है, तो उस चीज की कोई टेंशन की बात नहीं है। ये रहा हमारा ऑडिटोरियम, यहाँ पर भाई आप जो है बड़े बड़े शोज कर सकते हो, या मतलब किसी भी टाइप का कॉम्पिटिशन हो गया वो भी कर सकते हो। इट रियली डिपेंड्स किस टाइप का आपको प्रेजेंटेशन देना है। वेट व्हाट, ये कौन सा सीक्रेट इलाका है भाई यहाँ पर? ओ माई गुडनेस, ये रास्ता तो भाई स्कूल के ऊपर ले आया, इन केस ऑफ इमरजेंसी अपन लोग यहाँ पर से भी निकल सकते हैं। नाइस यार। व्हाट भाई, आपको मैंने गुब्बारा दिया था, वो दे दो ब्रो। अरे हाँ मेरे पास एक गुब्बारा है गाइज, लेकिन ये पकड़ पाएगा भाई? ये गुब्बारा इतना बड़ा, ये उड़ जाएगा हवा में। छोड़ो हटाओ, कोई बात नहीं गाइज, एंड आई थिंक दैट्स गोना बी इट। अब जल्दी से लेके चलते हैं इसको इसकी साइंस क्लास में एंड वहाँ पर पढ़ाई शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपन लोग यहाँ पर आयरन मैन के सूट के अंदर आ चुके हैं। मिस्टर टोनी स्टार्क ने फाइनली अपना सूट बना लिया है। अबे इसको उड़ाते कैसे हैं? अरे भाई पावर शटडाउन हो गया। वेट सूट को निकालो, रुको फिर से हम लोगों को सूट इक्विप करना पड़ेगा दोस्तों। ऑलराइट कहाँ हो गया मेरा Mark 20? ओके ये रहा कॉल Mark 20, और देखो भाई जो एकदम फ्यूचरिस्टिक तरीके सूट आती थी मूवी में, बिल्कुल ही वैसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की गई है। एंड लुक एट दैट, ओ माय गॉड,
गुडनेस ओके चलो चलो उड़ो वूहू अरे क्या काम कर रहा है भाई देख रहे हो चॉप ओट भाई इसने तो सही में सूट बना लिया बड़ा होकर के ब्रो अरे तो तुमको क्या लगा था हलवा होगा क्या भाई ऑफ कोर्स अपन लोग यहां पर पावरफुल पावरफुल सूट्स पहन सकते हैं ऑल थैंक्स टू मिस्टर टोरी स्टार्क ये देखो रॉकेट भी छूटते भाई इससे सिर्फ काम की नहीं है देख रहे हो ये बूम 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 वो भाई बंदे किधर है मेरे को बंदे नहीं दिख रहे और बाय द वे अगर अपन लोग चाहे तो इसको सेंट्री मोड में भी डाल सकते हैं यानी कि मैं सूट को कंट्रोल करूंगा अरे भाई मेरा बंदा क्रैश कर गया मेरे को इतनी ऊंचाई से सेंट्री मोड पे नहीं जाना चाहिए था ऑलराइट कोई बात नहीं गाइस हियर वी गो और भी हमारे पास बहुत सारे सूट्स हैं यहां पे मार्क 2 और पता नहीं क्या 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 ओके चलो मार्क 43 ट्राई करते हैं लेट्स गो और क्या लगता है यहां से कूदते समय आ पाएगा वो ओ आसमान में सूट मिल गया भाई देख रहे हो ये होती है पावर भाई आयरन मैन की लेट्स गो गाइस हुया 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 ओके दैट वाज कूल रॉकेट्स के लिए हम लोगों को आई थिंक के दबाना है आई एम नॉट रियली श्योर भाई अच्छा के से यूआई हट जाता है ओके 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 चलो गाइस ऐसे भी मैं यार इसको ज्यादा यूज नहीं करता इसलिए मेरे को उतना अच्छा आइडिया नहीं है और ये देखो भाई मास्क भी हट गया अरे 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 ओके गाइस अब अपन लोग को यहां पर ऊपर जाने की कोशिश करनी है लेकिन गाइस मेरे को लगता है इफ आई एम राइट तो अपने को ऊपर जाने के लिए मार्क 21 की जरूरत पड़ेगी ठीक है सूट कहां गया सूट अच्छा सूट हटा दिया मैंने चलो फटाफट से मार्क 21 को बुलाते हैं एंड अबे मेरे को गोली मारेगा भाई भूल रहा है क्या अपन लोग बहुत पावरफुल आदमी है ऑलराइट मार्क 21 कॉल मार्क 21 एंड हैया निकलो 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 अरे अरे पहले ही हो गया ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई मेरे को कूदना तो ऊंचाई से सूट पहले ही मिल गया चलो कोई बात नहीं गाइस अब जो है अपन लोग आई थिंक स्पेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं लेट्स गो फुल स्पीड में 300 मीटर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं 400 500 लुक एट दैट व्हाट भाई आप तो लगता है सही में स्पेस ही चले जाओगे ब्रो अबे तो भाई तुम आयरन मैन पर भरोसा नहीं करते क्या दोस्त उसका सूट भाई सबसे पावरफुल सूट है उसने एंड गेम में भी तो तबाही मचाई थी स्पेस में गाइस लेट्स गो अच्छा अब ज्यादा ऊपर नहीं जाना अपन लोग कुछ ज्यादा ही ऊपर आ गए अरे सूट ऑन करो भाई सूट ऑन करो नहीं 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 मर रहे अपन लोग ओ माय गॉड गाइस पावर कैसे देते हैं सूट को मेरे को ये पता नहीं है बटन कौन सा है पावर का अरे मर जाऊंगा ओ माय गॉड देखो कैसे गिर रहे अपन लोग देख रहे हो गाइस दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप लोग लापरवाही करते हो तो ओके मैंने सूट रिमूव कर दिया बट दिस मींस कि अब मैं मर जाऊंगा एनीवेज गाइस अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आई है आप चाहते हो कि अपन और भी सुपर हीरोज पे भाई रोल प्ले वीडियोस बनाए तो फटाफट से लाइक कर दो यार और बता दो कमेंट्स में अगला किस सुपर हीरो पे बनाना चाहिए इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी